बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी की मदद से सेल के कितने टाइप्स पड़े हैं, टू टाइप्स, यानी वो कितने कॉम्प्लेक्सिटी से वो क्या हुए बने हुए हैं, जैसे सेल्स के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के, तो टू टाइप्स ऑफ द सेल, तो डिग्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी के साइड से कितने सेल बने हैं, टू टाइप्स, कौन से, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो इसका मैंने एक टेबल सिंपल ही बनाया है, जैसे टू टाइप्स ऑफ सेल किसकी मदद से, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, किसकी, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की मदद से टू टाइप सेल्स बने, कितने बने, टू टाइप्स, यानी दो अलग सेल बने, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बोलते ना डिफरेंट टाइप, बहुत कॉम्प्लेक्स है वो, तो उसके मदद से कितने टाइप्स के बने, टू टाइप्स के, एक तो क्या बना, यूकेरियोटिक, यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यानी इसकी मदद से आई रिकॉग्नाइज दो क्या सेल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, टू टाइप सेल्स आर रिकॉग्नाइज, कौन से, यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अब यूकेरियोटिक है नॉट इंटरनल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंस, तो इसके अंदर भी क्या है, प्रोकैरियोटिक के अंदर भी नहीं होता है, और यूकेरियोटिक दोनों के अंदर इंटरनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, यानी जैसे ये सेल्स है इसके अंदर अंदर का कोई मेम्ब्रेन है वो दोनों में क्या है, एब्सेंट है, क्या है, एब्सेंट, यानी दोनों में कोई में प्रेजेंट नहीं है। कौन सा, इनर मेम्ब्रेन, इनर मतलब अंदर वाला मेम्ब्रेन, तो ये तो पहले आ जाएगा नॉट इंटरनल मेम्ब्रेन, ये भी सेम रहेगा प्रोकैरियोटिक में भी, नॉट इंटरनल मेम्ब्रेन। ये जितने भी है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, यूकेरियोट अंदर के जो मेम्ब्रेन है दोनों में क्या है, एब्सेंट है, यानी प्रेजेंट नहीं, नॉट इनर इंटरनल मेम्ब्रेन, यानी प्रेजेंट नहीं है अंदर कोई भी चीज है। प्लस क्या है, बैक्टीरिया यूकेरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया ब्लूग्रीन आल्गी क्या है, इसके एग्जाम्पल है, यूकेरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गी मोस्ट टाइम, ये क्या है, एग्जांपल है यूकेरियोट्स के, और प्रोकैरियोट्स में नॉट थ्रू न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया, मतलब न्यूक्लियस तो है बट नॉट थ्रू, मतलब फॉल्स है, न्यूक्लियस जैसा है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर डीएनए नीक भी पाया गया, अब इसके अंदर जैसे सॉल्ट में जाए तो कितना है, तो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से टू टाइप्स ऑफ सेल क्या हुए, रिकॉग्नाइज हुए, कौन से, यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में इंटरनल मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है, मतलब प्रेजेंट है, तो नॉट इंटरनल मेम्ब्रेन, इंटरनल मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया। दूसरा क्या है इसके अंदर, यूकेरियोट्स के एग्जाम्पल कौन से, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलर्जी है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलर्जी क्या इसके एग्जाम्पल्स है। और अब प्रोकैरियोट्स के अंदर एक तो इंटरनल मेम्ब्रेन्स तो नहीं है एक, हाँ लेकिन इसके अंदर जो सॉरी प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर बीच का ऐसा
न्यूक्लियस तो है बट नॉट थ्रू, मतलब न्यूक्लियस जैसा दिखता है बट वो न्यूक्लियस नहीं है, मतलब न्यूक्लियस कैसा है, फॉल्स न्यूक्लियस है। कैसा है? फॉल्स न्यूक्लियस, यानी सिर्फ वो न्यूक्लियस की तरह दिखता है लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं पाया गया। किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। और उसके अंदर क्या दिया है? डीएनए नेक भी पाई गई। क्या पाई गई? प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए भी पाया गया। डीएनए नेक मतलब डीएनए की गर्दन, यानी डीएनए पाया गया है। जब इसके अंदर सिर्फ यही हमें याद रखना है तो ये सिंपल भाषा में ट्रू है। यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में इंटरनल मेम्ब्रेन एब्सेंट है। यूकेरियोट्स के एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लूप्रिंट आदि। बट प्रोकैरियोट्स के अंदर नो नॉट इंटरनल मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट बट नॉट थ्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो है बट थ्रू नहीं, मतलब कैसे? न्यूक्लियस न्यूक्लियस जैसा दिखता है लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं। और डीएनए नेक पाई गई किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब हम ऐसे देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल हैज अ सिंपल इंटरनल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन हैज अ न्यूक्लियस। जीनेटिक मटेरियल आर द डीएनए नेक दैट इज द एनक्लोज द न्यूक्लियस एनवेलप। ये न्यूक्लियस एनवेलप के दरमियान जैसा, ये न्यूक्लियस जैसा है वो एनवेलप है, मतलब यहाँ से कुछ उसको पैक करा हुआ है। तो वो क्या है? न्यूक्लियस जैसा दिखता है लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं है, वो न्यूक्लियस एनवेलप से पैक है यानी कवर है। द सेल आर द प्रोकैरियोटिक पोसेस द इंटरनल मेम्ब्रेन्स ऑफ द बाउंड ऑर्गेनेल द बैक्टीरिया एंड ब्लूप्रिंट आर द प्रेजेंस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। The cell of the prokaryotes also do not possess any internal bound organized the bacteria blueprint are present in the typical prokaryotic cell. Sorry, ये prokaryotic cell में है, eukaryotes में नहीं है। Sorry, ये किसके अंदर है? Prokaryotes में। The eukaryotic cell on the other hand have a nucleus. Whether a genetic material is DNA enclosed within well-defined nucleus membranes and has a complex internal structure with the distinct membranes enclosed the organelle, the protozoa, algae, plants, animal are all eukaryotes. Sorry. यानी जितने भी है वो क्या है? Prokaryotic है।